सो हैलो, सत श्री अकाल, नमस्कार। सो असी मोल कंसैप्ट दे बारे पढ़ते सी, मोल कंसैप्ट पार्ट टू दी विच आ गए आपां। सो इस तों पहलों असी मेयरमेंट जिहड़ी आंगस्ट्रोम जां नैनोमीटर जां पीकोमीटर किन्ना हुंदा उहनूं असी समझिया। असी ये समझिया कि जिहड़े साइज़ या एटमां दे जां मोलीक्यूल्स दे उह किन्ने ज़्यादा छोटे हुंदे आ ते असी उहनां नूं देख नहीं सकदे। असी उन्हां सारे एटमां दे कलैक्टिव जिहड़ा कट्ठे जदों रहिंदे आ ते उह कट्ठियां दे नाल असी उहनां दे कुछ गुणां नूं जाण सकदे आ, उहनां दीआं प्रॉपर्टीज़ मेयर कर सकदे हुंदे आ। असी उहनां दा टैंपरेचर, प्रैशर, वॉल्यूम वगैरह मेयर कर सकदे हुंदे आ। ते मोल कंसैप्ट दी आपां गल जिहड़ी आ इत्थों हुण शुरू करन लगे आ। असल विच जिहड़ा मोल कंसैप्ट ते आपां आ जाईए हुण, मोल कंसैप्ट बेसिकली की आ? सो मोल कंसैप्ट बेसिकली गिनती आ, गिनती, काउंटिंग। सो वट इज़ मोल कंसैप्ट जिहड़ा हैगा, इहदे च की है, दिस इज सिंपली काउंटिंग, काउंटिंग। सो ये काउंटिंग आ, गिनती आ, आपां गिनती करने आ, एक चीज़, दो चीज़, तीन, चार, पाँच, छे, इदां करके। सो ये काउंट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। एंड समटाइम्स वी हैव 12, वैन वी हैव 12 थिंग्स तो वी से यू हैव बनैनास, केले अपने कोल, एप्पल्स या, सो वी हैव एप्पल्स, किन्ने एप्पल्स, 12 एप्पल्स। एंड वी से 1 dozen, एक दर्जन। सो वैन यू हैव 12 आइटम्स ऑफ समथिंग, सो कल सेब भी नहीं, संतरे, केले, या तुम 12 कापियाँ या 12 पेंसिल लै रहे हैं, 12 पेन, सो 12 पेन आलसो मेक 1 dozen पेन। तो एक गिनती आ, यह गिनती करन दा एक तरीका आ। 20 आर्टिकल्स, 20 चीज़ा, 20 आइटम्स, उन्हों असी कहने आ स्कोर। सो गिनती आ एक, मतलब बड़ी गिनती नूं छोटा करके दसना। सो 20 आइटम्स मीनस 1 score, 12 आइटम्स मीनस 1 dozen आइटम्स, 12 पेन 1 dozen पेन, 12 कॉपीज 1 dozen कॉपीज, 12 बनैनास 1 dozen बनैनास। सो असी 12 केलिया के बारे जानकारी लैन लई असी सीधा ही पुछते हैं कि एक दर्जन केले किन्ने दे आ, की रेट आ उहदा। असी एक दर्जन बारे गलबात करते हाँ। असी जिहड़ा स्कोर, शायद तुसी नहीं सुनिया होना भी स्कोर, जां इहनूं पंजाबी च कौड़ी कहिंदे आ। ये जिहड़ा सीगा ना, यह हुण मैनूं नहीं पता अजकल मार्केट 'च कोई चलदा होगा कि नहीं, पहलों ये मार्केट विच चलदा हुंदा सी, लगभग 25-30 साल पहलों तक चलता रहा। उस जो भांडे कली करते होंगे सी, पित्तल दे भांडे होंगे सी, लोगों के घर ब्रास तो बने हुए भांडे, पीले पीले रंग दे, परातां परूतां भी होणगियां, अजकल भी होणगियां लोगों के घर, आम करके जो आटा गुन्नदे आ, बट वो जिहड़े पतीलियां जां पतीले जिहड़ा सब्जियां भाजियां बनदियां सी, वो पित्तल दियां होया करदियां सी, ते उहनां नूं अंदर चिट्टा चिट्टा एक कोई मैटल ला देंदे सी, वह टिन वगैरह हुंदा सीगा, उहनूं कली करना कहिंदे सीगे। तो वह फिर जिहड़े आंदे हुंदे सीगे कारीगर कली करन वाले, ते वह फिर कौड़ी दा हिसाब लांदे हुंदे सी, 20 भांडियां दे इन्ने पैसे आपां लांगे। सो उदों ये जिहड़ा स्कोर जां कौड़ी सिस्टम चलदा सी, उहदे विच मैनूं याद आ, अजकल भी चलदा होऊ तां मैनूं बहुता नहीं पता। सो इदां ही जदों कागज़ जां रिम, तुसीं ग्रोस जिदा सिक्के आ पेन दे विच, सिक्के आ पेन, इह तां चलो निब वाला आ, सो दूसरे जिहड़े रीफल्स हुंदे सीगे है ना, सो रीफल दा पैकेट जिदा दुकान वाले ने खरीदना, तो ग्रोस उहनूं कहिंदे आ, मतलब 144 आई थिंक जे मैनूं याद आ, तां 144 आइटमां जिहड़ियां आर्टिकल्स हुंदियां आ उहनूं जिहड़ा हैगा ਉਹ ਗਰੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। 144 ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਈਟਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਗਰੋਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ, ਕਾਗਜ਼ ਕੂਗਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਮਥਿੰਗ ਨੀਅਰਲੀ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨਾ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਜੇ 12 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਜਨ ਕਹਾਂਗੇ, 20 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੋਰ ਕਹਾਂਗੇ, 144 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਦੈਟ ਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਵੀ ਗਿਣਤੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾ ਬੋਲਣੀ ਪਵੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਕਹਿ ਤਾ ਇੱਕ ਗਰੋਸ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 5-10 ਗਰੋਸ ਕਹੂੰਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਮੈਨੂੰ 1440 ਕਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹ 1440 ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 10 ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਵਾ, ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੁਛ ਆਈਟਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦਰਜਨ
केले खरीदने में दो दर्जन केले खरीदे, चौबी केले नहीं खरीदे असं, दो दर्जन कहने सौखा लगता कहना सौखा आ। इदा ही जो मोल कंसैप्ट आ भी सेम सिमिलर पैटर्न के उपर काउंटिंग आ, गिनती आ, गिनती कह दी है एटमा की, जिदा आप एटम्स मोलीक्यूल्स इलैक्ट्रॉन्स आयनस, ठीक है। सो इन्हें बरीक आ, इन्ने बरीक आ कि इन्ने ज़्यादा हो के जिदा हूँ ही आप गल की कि जरा हाइड्रोजन का एक एटम आइज आंगस्ट्रोम से, तो वो इन्ना बरीक हैगा कि असी जे 10^10-15 तक करिए फिर जाके शायद सानू वो कि माड़ा मोटा दिखन लगे। यदा मतलब वो इन्ने ज़्यादा एटम कट्ठे करने पैणगे, जिदा जे थानू जे तुसी प्रैक्टिकली देखिया होना तो भूरिया कीड़िया जो किसी खंड के दाने से किनिया बड़िया भूरिया कीड़िया कट्ठिया हो जाए, ढेर ही लग जाता इतने, तो फिर थानू दिखता भी हाँ किनिया बड़िया भूरिया कीड़िया कट्ठिया हो गई, तो फिर वह नज़र आने लगदियाँ भी हाँ दिखदियाँ पईआं, मतलब जो 500-700 भूरी कीड़ी जी हैगी कट्ठी हो जाती है, ब्राउन आंट्स है ना, ब्राउन कलर्ड आंट्स जिहड़ियां हैगियां, सो वो जिहड़ियां हैगियां बहुत ही बरीक हुंदियां वा, तो वो कसमैले जे भूरी जे रंग दियां हुंदियां आम करके, वो मिट्टी जे दे नाल जां तुहाडी फर्श दे नाल मैले जे कलर दे विच कैमोफलेज भी हो जांदियां कह लो, तो बरीक भी हुंदियां, तो आपां नूं आम करके कलियां कलियां तुरियां जांदियां नज़र नहीं आंदियां। सो कीड़ियां जिहड़ियां हैगियां कलियां कलियां नज़र नहीं आंदियां जिन्नी देर वो एक थां ते किसी मिठे ते जां किसी कोई चीज़ डुली हुई आ सब खाण पीण वाली उत्ते कट्ठियां होकर भीड़ नहीं पा लैंदियां, उन्नी देर फिर सानू चंगी तरह नज़र नहीं आंदियां। सो समथिंग लाइक दैट। सो जदों ये एटम ते मोलीक्यूल जिहड़े हैगे क्योंकि इन्ने ज़्यादा बरीक हैगे, इन्ने ज़्यादा बरीक हैगे कि सानू नज़र नहीं आते, सानू माइक्रो मीटर तक तो नज़र नहीं आता, मिलीमीटर नज़र आता वा, इवें मिलीमीटर होने लिए इन्हों किन्ने एटमां नू कट्ठे होना पऊगा तुसीं आप ही, इस करके मैं थानू आ सारा जिहड़ा हिसाब ला के दस्सिया सी कि आंगस्ट्रोम किन्ना छोटा हुंदा वा। सो आंगस्ट्रोम का की मतलब आ, फिर नैनोमीटर का की मतलब आ, फिर मिलीमीटर जिहड़ा स्केल दे विच अपनी ज्योमेट्री दे विच स्केल हुंदा उहदे विच जिहड़ा मिलीमीटर आ उहदा की मतलब आ, ते उहदे 1000 टुकड़े करके अपने को माइक्रोमीटर बनता, फिर माइक्रोमीटर दे 1000 टुकड़े करके अपने को नैनोमीटर बनता। सो इस तरह असीं इन्नी बरीकी दे विच जाने आ, तां फिर जो एटमां की गल करनी भी उन्हां नूं गिनना, तो फिर नैचुरल जी गल है कि सानूं दिखण तां दिखण लई उह फिर किन्ने होणगे, उह लखां करोड़ां नहीं हुंदे, फिर उह किन्ने ही हुंदे आ, मतलब उह बहुत ज़्यादा वड्डी मात्रा दे विच जो कट्ठे हो जाते हैं तो फिर जाके थानू कितने माड़ा मोटा वो नज़र आने लगते हैं। सो मान लो कि तुम को 10^20, सो इतने तक तो आपको गिनती भी नहीं आती है ना, आपको गिनती कितने तक आती है 10^5 जे हो तो लख हों वा है ना, सो जो 10^7 हो लख तो बाद करोड़ हों वा, फिर 9 हो जाता, फिर अरब हो जाता वा, एंड सो ऑन खरब हो जाता 11 तक। सो आप इन्नी गिनती की गल करते हैं, तो जो आपटमां गल करते हैं कि एटम सू दिख लगूंगे तो फिर वह किन्ने जाने कट्ठे हो जाऊंगे कि सूँ दिख लग जाऊंगे भी हाँ कुछ हैगा, मान लो आ कोई चीज़ सानू आ दिख रहा एक बिंदी दिख रही है, मान लो एक इंक इंक डॉट ही है बेशक ये ये भी मोलीक्यूल होणगे, तो सानू जिहड़ा जिहड़ी डॉट दिख रहा है, मतलब चलो इन होर मैं बरीक कर लैंना, इन्ना बरीक ये भी दिख रहा है, ये मिलीमीटर तो छोटा ही आ, ओबियसली काफ़ी छोटा आ, तो जे मैं दिख रहा तो ये भी इन्ने बड़े मोलीक्यूल होणगे तां ये दिख रहा मैनू, जे आ छोटा जिहा बिंदी जिहड़ी मैं बनाई आ, सो इफ वी से के भी हाँ सानू आह जिहड़ा डॉट आ ये दिख रहा है, तो जे मान लो मैं कहां कि आ एक होर डॉट आ जिहड़ा कि होर ज़्यादा छोटा मैं लाया है, सो दिस इज़ वैरी टाइनी वैरी समाल डॉट, तो जे मैं दिख रहा है इट मीनस ये मिलीमीटर तो भी छोटा ओबियसली, तो मान लो 0.1 मिलीमीटर का होगा, 0.1 मिलीमीटर का जे दिख रहा है, तो इट मीनस ये भी 10^20, 10^30 के करीब मोलीक्यूल होए हो दिखता होगा, तो जी गिनती मैं आती आ लख करोड़ अरब खरब वाली वाली गिनती के हिसाब न, तो इतने फिर 10^20, 25, 30 इदा का कुछ आऊगा जी कि आप आम करके गिनती नॉर्मल हालात में आप नहीं पहुँचते उत्थे तक। सो जी गिनती की गल सी कि मोल जोड़ा है बेसिकली एक काउंटिंग दर्शाता वा, जिदा 12 मैंने दर्जन, 20 मैंने स्कोर, 144 मैंने ग्रोस वगैरह, सो इदी मोल जोड़ा है सो वह भी एक गिनती आ। हूँ वो किन्नी गिनती आ,
तो सानू कितना पता लगी भी गिनती आ। हुण देखो ओबीएस जी गल क्लीयर गल की हैगी आ कि आपां तां ऐटमां नूं फड़ के गिन तां सकदे नहीं वी असीं ऐटम फड़ ले तां गिन ले सानू तां दिखदे ही नहीं ना उह पॉसीबल हैगा वी दिख पैणगे हले तक तां होया नहीं गा। इहदा मतलब जे आपां गिनती कर ही नहीं सकदे असीं एप्पल दी असीं कॉपियां दी गिनती कर सकदे आ ईजीली असीं कह सकदे आ वी दर्जन दे दो दो दर्जन चार दर्जन हैगियां आ उहदे पैकेट बनाए जा सकदे आ। ऐटमां नूं जां मोलीक्यूल्स नूं असीं तां देख ही नहीं सकदे तां फिर असीं गिनांगे कितना। ऐटम मोलीक्यूल बेसिकली कैमिस्ट्री विच ऐटम मोलीक्यूल्स इलैक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन आयनस रेडिकल्स वगैरह की गल होनी आ। सो असी इन्हां नूं देख ही नहीं सकते जे देख ही नहीं सकते फिर गिने कितना। असी इन्हां नूं तोल सकते हाँ असी इन्हां नूं तोल सकते हाँ मास असी इन्हां दा मास दे बारे गल कर सकते हाँ। ये वाली गल असी कीती आ ये क्लीयर आ सानू पता आ बिल्कुल एक्सपैरीमेंटली सारा कुछ सानू मास दे बारे पता आ। हुणे मास दी गल जिहड़ी आ ओह कितना आ गई विच ते उत्थों गिनती दा की हिसाब होया। हुण देखो आपां कहिंदे आ कि एक कोई किसान आ उहने अपने खेत विच से बनैना जिहड़े आ उहनां दी जिहड़ी हैगी आ कल्टीवेशन कीती आ तो उन्हें इन्ना वधिया कोई मैनेजमेंट किया कुछ इन्ना वधिया तरीके दे बीज जा जो भी उन्हें किया कोई वो सिस्टमैटिक ढंग नाल साइंटिफिक रिसर्च करके बड़ा वो साइंटिस्ट टाइप फार्मर आ जा साइंटिस्ट ही कह लें आप जिन्हें पौधा उगाया उन्हें सारे बनैनाज इदा के पैदा करे वह आर एन ए डी एन ए जो अंदर मैनू नहीं पता बायोलॉजी का। सो जो भी उन्हें वो अंदर किया उन्हें इदा के बनैना पैदा किए कि हर बनैना जोड़ा है वो 100 ग्राम का बनैना आ हर बनैना 100 ग्राम का मतलब वो जिन्हें बनैना जो पक के उन्हू लिया आ तो जिन्हें भी बनैना उतों मिलते 100 ग्राम के मान लो जिन्हें भी बनैना है मान लो उन्हें एक दर्जन वन डजन बनैना जोड़े है वो है तो फिर वह ऑटोमैटिकली कि भार होगा 12 बनैना जोड़े है 12 बनैना क्योंकि एक बनैना किन्ने का वा एक बनैना 100 ग्राम का वा तो 12 बनैना किन्ना हो गया 1 बनैना इज इक्वल टू 100 ग्राम सो 12 बनैनास इज इक्वल टू 12 × 100 ग्राम्स ऑटोमैटिकली 1200 ग्राम 1200 ग्राम्स सो ये इन्ने ग्राम के ऑटोमैटिकली बन जाएंगे। तो जे मैं हुण मान लो अपना उत्थे क्योंकि उहदी तां कल्टीवेशन आ उन्ने तां बेचने आ उन्ने तां किन्ने ही पौधे लाए होगे तो वह कल्ले कल्ले बनैना नूं गिनन की बजाए वह की करता फिर वो अपने सारे जिन्ने भी उन्हें पौधे लाए से सारे बनैना असी एक आइडियल कंडीशन आ यह पॉसीबल नहीं है आइडियल समझण लई आपां मान लिया कि सारे केले जिहड़े आ 100 ग्राम के आ आइडियल कंडीशन आदर्श आपां शर्त रख ली आ एक पॉसीबल है या नहीं है मैनूं नहीं पता मैं सोच लिया भी हाँ हर एक केला जिहड़ा हैगा वह 100 ग्राम का हैगा। हुण उन्हें की किया उन्हें मान लो उन्हें क्योंकि मार्केट भेजना वा वह बहुत बड़ा एक मतलब उन्हें किन्ने 100-200 पौधा लाया होया उन्हें केलिया का 1000 पौधा लाया होया बहुत बड़ा वह बिजनेसमैन आ तो उतों रोज़ किन्ने केले उतरते तो फिर वो तो गिना नहीं बहजूगा मैं किन्ने दर्जन केले दते आ। तो जे आप उस हिसाब न देखिए तो वह करता वह सारे केले जिन्हें भी होंगे उन्होंने तोलता मान लो तोलन तो बाद तकड़ी में रख के वह कह दिता जी ये मान लो कि थोड़े है जेडे यू कैन से कि 50,000 जेडे किलोग्राम बनया ग्राम बनया मान लो 50,000 ग्राम मान लो आप सिंपल जहा लै लें 50,000 ग्राम बनया तो आप मतलब हो गया 500 × 100 ग्राम 100 ग्राम का तो एक किला मतलब 100 ग्राम मैंने 1 बनैना सो आ वाली गल इंपोर्टेंट देखो ध्यान ना। सो 100 ग्राम 50,000 है 50,000 उन्हें कितना तोड़िया 500 × 100 ग्राम 100 ग्राम का मतलब की है 100 ग्राम का मतलब है 1 बनैना ये मतलब किन्ने बनैना हो गए फिर 500 सो उन्हें सिर्फ तकड़ी में रख के तोल दिता तो तोलन तो बाद ही उन्होंने पता लग गया क्योंकि 50,000 ग्राम आया है जवाब तो 500 केले उन्होंने गिनन की लोड़ नहीं पई। सो आ गल मैनूं लगदा समय लगी होनी इत्थे एक बार फिर समझो आपां की कह रहे हैं कि एक बनैना जिहड़ा हैगा वह 100 ग्राम का आ 1 बनैना इज 100 ग्राम तो आपां की कीता आपां हुण तोल लिया असी जो तोलिया तोल के वह 50,000 ग्राम आया
तो 50,000 ग्राम का मतलब होया बेसिक 50 किलोग्राम, तो 50 किलोग्राम क्योंकि 1000 महीने किलो हों, सो 50,000 ग्राम इसलिए लिखा था, कन्फ्यूजन ना हो ग्राम ही चलता पाया। सो 50 किलोग्राम आया, असी उन्होंने 50,000 ग्राम लिख लिया। सो मीनस उन्हें जो तकड़ी च तोलिया तो 50 किलोग्राम आया, किलो महीने 1000 हों, सो 3 जीरो आ गई फालतू। सो उन्हें 50,000 ग्राम लिया, ये 2 जीरों आप सैपरेट कर लिया 100 × 500 करके, तो 100 ग्राम का मतलब हों एक केला, 1 बनाना, यद मतलब 1 बनाना, तो बाकी कहने 500, यद मतलब 500 बनाना। सो सानू तोलन तो बाद पता लग गया कि वह किन्ने बनाना है गया। मतलब जे असी चीज़ नू तोल के गिनती कर कदों जदों उहदी सारिया का मास जिहड़ा वा सेम हुंदा, जे सारिया का मास सेम हुंदा फिर आपां नू कोई प्रॉब्लम नहीं सी। हुण जे मान लो एक केला 100 ग्राम का, एक 120 ग्राम का, एक 200 ग्राम का, एक 150 ग्राम का, फिर आपां हिसाब नहीं सी ला सकते। आपां हिसाब क्यों ला सके, क्योंकि सारे केले जिन्ने भी केले उत्थे उगणगे उत्थों केले लऊगा उही केले होणगे जिन्हां दा हर एक केले का मास 100 ग्राम होऊगा, उन्होंने ही असी कंसिडर करना है। मतलब उत्थे उगदे ही इदा के लिए एक आइडियल कंडीशन आप मान ली, समझ ली, अपने आप को समझाने ली, गल मान ली। सो देयरफोर आप जिहड़ा हैगा इहदे विच असी फिर की हिसाब लाया कि जे हुण सानू उहदा मास पता होवे तां असी उहदा तोलन तो बाद इह कह सकदे, क्योंकि एक इन्ना मास जिहड़ा हैगा वह एक चीज़ आ, तो फिर बाकी जिहड़ा बचिया उन्नियां चीज़ा गिनती आ गई ना, फिर आ 500 केले आ गिनती, आ चीज़ की आ गई हुण गिनती। नाउ दिस इज़ काउंटिंग, इत्थे गिनती कर ली हुण आपां ऑटोमैटिक तोल के गिनती की, ये गल इत्थे ध्यान दिओ दुबारा तो। सो असी की कीता, असी मास जां वेट कह लो, चलो जो आप आम बोलचाल विच रखते हैं, वैसे मास किलोग्राम हुंदा, वेट न्यूटन हुंदा, पर आप मास नूं वेट आम बोलचाल बोल दें। सो भार जिन्हों असी कह दें, सो असी किन्ना भार तोलिया, असी 550 किलोग्राम भार तोलिया, किलो महीने 1000 हुंदा वा, 1000 दियां 3 जीरों वाला ग्राम हो गया 500 × 100 ग्राम, यूनिट की गल मैं तुहानूं दस्सी सी नाल ही जोड़ के रखनी आ। सो 100 ग्राम मैंने एक केला हुंदा, इस करके 500 बनाना हो गए। सो ये मेरे ख्याल गल समझ लग गई होनी आ। सो जे गल समझ लग गई फिर मोल कंसैप्ट भी हुण आपां नूं समझ लग जाणा कि मोल कंसैप्ट आपां एटमां दे मोलीक्यूलां दी काउंटिंग दा डायरैक्टली कर ही नहीं सकते। केले तो फिर असीं चलो औखे सौखे गिन लैणे सीगे, बंदे ज़्यादा ला के गिन लैंदे, पर एटम तो सानूं दिखदे ही नहीं, एटम मोलीक्यूल तो दिखदे ही नहीं, सानूं पता ही नहीं आपां किहदे बारे गल करदे पए आ। जिहड़ी चीज़ दिखदी नहीं उहनूं गिनीए किद्दां, उहदी काउंटिंग किद्दां करिए, असीं फिर उत्थे जिहड़ी सानूं गल समझ लगी उह आह वाली गल समझ लगी जिहड़ी आपां इत्थे कीती, बई मास दे नाल आपां इहदा कोई हिसाब ला सकते हैं। जदों मास दे नाल हिसाब लाने की गल आई तां इत्थे तुहानूं याद होना कि आपां हाइड्रोजन जिहड़ा हैगा उहदे जिहड़ा एटम की बनतर आ उह किद्दां दी आ, उहदे च एक प्रोटोन हुंदा वा ते एक इलैक्ट्रॉन उहदे बाहर घूमदा रहिंदा वा, सो न्यूक्लियस च एक प्रोटोन, ते इहनूं असीं कहिंदे 1 AMU, रफली 1 AMU, बई इहदा जिहड़ा एक प्रोटोन आ। इदां ही असीं जे सोडियम की गल करिए तां सोडियम जिहड़ा हैगा उहदे विच अपने कोल 11 प्रोटोन ते 12 न्यूट्रॉन हुंदे आ, ते बाकी 11 ही इलैक्ट्रॉन बाहर घूमते रहेंगे, आप उस चक्कर च नहीं पेंदे। सो असी क्योंकि जिहड़ा भार का संबंध हुंदा किसी भी एटम का, सो एटम की गल हो रही इत्थे, एटम हाइड्रोजन एटम का भार जिहड़ा आ 1 AMU आप मानते हाँ, इदी सोडियम एटम जिहड़ा हैगा उहदा जिहड़ा भार आ उह 23 AMU आप मन्नांगे, ठीक है। सो इदां ही आपां मान लो कोई होर आपां जे लै लईए, सो लेटस से की लै लईए आपां जे ऑक्सीजन लै लईए, ऑक्सीजन का किन्ना बनूगा 8 ते 8 16, सो ऑक्सीजन का जिहड़ा हैगा आई थिंक 16 बन जूगा ना, 8 प्रोटोन ते 8 न्यूट्रॉन होंदे आ। सो बाकी जिन्ने भी उहदे च इलैक्ट्रॉन होणगे उहदे बारे आपां फिलहाल गल नहीं करदे पए। सो इहदा मतलब इह 16 AMU हो गया एक एटम, एक एटम की गल हो रही हुण, एक एटम के अंदर किन्ना जिहड़ा हैगा वा मास आ, सो उहदे बारे आपां गल करदे पए आ। सो एक एटम जिहड़ा हैगा उहदे अंदर किन्ने प्रोटोन न्यूट्रॉन आ, उहदा मास असीं फिर किद्दां उहदी गलबात कर सकदे आ, सो उहदे बारे आपां डिस्कशन कर रहे हाँ। सो इह गल थोड़ा ध्यान रखनी आ। सो इदां ही आपां कह लईए भी जे बोरोन हैगी आ, तो बोरोन दे विच वी मान लो 5 ते 5 ही उहदे च मान लो प्रोटोन आ, ते 6 मान लो उहदे च न्यूट्रॉन आ, जां 5 न्यूट्रॉन आ, सो दोनों तरह पॉसीबल हो सकता। सो 5 प्रोटोन 5 न्यूट्रॉन जे आपां मान लईए बोरोन दे विच, तां फिर ये 10 AMU बन जूगा उस हिसाब नाल।
सो इट विल बिकम 10 एम जू। सो इतने ही मान लो एक एक एटम सिंगल वन एटम, सो वन ये सारे वन एटम है, एक एटम की गल हो रही है इतने, सो ओनली वन एटम। ठीक है, इतने ही से वी हैव आयरन, सो आयरन जोड़ा है वह 56 मान लो आप कहने तो वह फिर 56 एम जू होजूगा। सो 56 आयरन का, सो आयरन एटम, एक एटम की गल हो रही, एक एक एटम की गल हो रही है इतने, सारे एक एक एटम की गल हो रही है। सो इदा असी जो ये करते गए तो आप सारिया के बारे जानकारी ले सकते हैं, 118 तक थोड़े को असी सारे किन्ने प्रोटोन न्यूट्रॉन उन्होंने अंदर है वो पता कर सकते हैं। जिदा हीलियम आ, हीलियम एटम आ, हीलियम एटम के अपने को 4 AMU होजूगा। सो जो आप प्रोटोन न्यूट्रॉन के हिसाब न तो देखिए तो कि होगा। सो हम ये गल आप पता लग चुकी आ भी हाँ मासिस के बारे सूँ पता वा। हुण इत्थे आइडियल कंडीशन की आ, उही वाली कि जे हर एक केला 100 ग्राम का आ, हर एक केला 100 ग्राम का, हर एक हाइड्रोजन एटम 1 AMU ही होगा, हर एक हाइड्रोजन एटम 1 AMU ही होगा। जिदा केले सारे असी एक आइडियल कंडीशन अपनी इमेजनरी कंडीशन इमेजनरी हालात पैदा कर ले, जिस आप दसिया कि हर एक केला 100 ग्राम का ही हों जी, ना वो घट हों ना बद, इतनी हाइड्रोजन में भी कोई पॉसीबिलिटी नहीं है कि थोड़ा 1 AMU तो घट, एको प्रोटोन वाले हाइड्रोजन मिलने सारे। जो तुम हाइड्रोजन वाली गल करते हैं प्रोटियम जिन्हों असी कहने तो एक प्रोटोन वाली हाइड्रोजन ही होंगी आ। सोडियम जो आप आइसोटोप 23 वाले की गल करते हैं, उस 11 प्रोटोन 12 न्यूट्रॉन ही होंगे। जो आप 23 वाले की गल करते हैं तो एक एटम जो 23 AMU का ही होगा, एक ऑक्सीजन जो 16 का ही होगा। सो इदा ही तुम जोड़ा है बोरोन जोड़ा वा 10 का ही होगा, जो 5 प्रोटोन 5 न्यूट्रॉन वाली गल करते हैं। सो सिमिलरली जो आयरन है वह 56 AMU ही होगा, जो हीलियम है वह 4 AMU ही होगा। मतलब कि जो मैं किन्ने बड़े हीलियम या किन्ने बड़े आयरन लिख ला, सिर्फ ऐसे आई हैव आयरन 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 आयरन, तो दे ऑल आर 56, ये भी 56 है, 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 भी 56 है। सो ऑल आर 56 AMU, मतलब मास, आप मास की गल करते हैं, मास में असं AMU तोलते हैं, नापते हैं एटमां दे जिहड़े मास की गल करते हैं आपां, वी जिहड़ा उहदे प्रोटोन ते न्यूट्रॉन की गिनती आ उहनूं असीं AMU दे विच गल करते हैं। सो इस तरह अपने कोल किसी भी एटम की जिहदी वी, जे हीलियम दे किन्ने बड़े लै लूंगे, मान लो हीलियम लै ले, हीलियम दे किन्ने बड़े लै ले तुसीं, इफ यू हैव सो मैनी हीलियम एटम्स, सो हीलियम 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 तो हीलियम एटम्स लिखता पाया मैं, किन्ने बड़े हीलियम एटम, तो इन्हां दे फिर ये भी 4 आ 4 आ 4 आ 4 आ 4, सो ऑल आर 4s, सो सारे 4 आ 4 4 4 4 4। मत जिहड़ा भी तुसी जिद्दां केला, हर एक केला 100 ग्राम का सी, तुसी सोच लो सेब, मान लो सेब जिहड़ा हैगा वह 75 ग्राम का होवे, तो सारे सेब 75 ग्राम के होन, सारे संतरे 150 ग्राम के होन, सारे मसमियाँ जिहड़ियां हैगियां 200 ग्राम दियां होन, तां वो आइडियल उस तरह की यह गल जिहड़ी आपां करदे पए आ कि इस तुसी जिहड़ा मर्जी आयरन लै लो, जदों मर्जी आयरन लौंगे, एक एटम जे तुसी लभ लिया, मतलब हुण तुसी सोच सकते हैं आपां, मैं जिद्दां कि आपां देख नहीं सकते इन्हां नूं, पर असी सोच तो सकते हैं कि मान लो कि मेरे को एटम होन 100 आयरन के एटम होन, तो 100 दे 100 जिहड़े आ ना बिल्कुल आइडेंटिकल हर हालत में इन्ने ज़्यादा उन्होंने डबल रोल हो जाएंगे कि तुहानू पछाण ही नहीं सकते तुसी कि पहला आ दूजा तीजा, अखा मीचन तो बाद ही तुहानू नहीं, जे मान लो तुसी कहो आ पहला दूजा तो अखा मीच लो मैं इहनू ऐ कर देवां तो तुहानू नहीं समझ लगना पहला आ बन गया कि वह बन गया, मीनस इन्ने ज़्यादा आइडेंटिकल आ, उन्होंने मासिस भी सेम आ हर एक जाने के। सो ये गल बहुत इंपोर्टेंट आ, इतों ही अपना जोड़ा मूल कंसैप्ट है वो निकलना हूँ। सो जे आप गल समझ लग गई कि मासस जोड़े उन्होंने सेम आ, तो फिर अगे मूल कंसैप्ट होया कि फिर की कहानी बनी। सो मूल कंसैप्ट फिर आ होया कि होया कि उन्होंने क्या, जिन्होंने भी क्या होगा सोचा होगा कि जो भी ढंग किया हो, पर हूँ आप सोचने लगे हैं कि जो आप एक एटम लिखीए, किहड़ा एटम लिखीए, असी हाइड्रोजन का एटम लिखीए, से हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन का एटम बना लिया मैं हूँ साइज बड़ा छोटे के चक्कर च नहीं पैंदा, मान लो मैं ऑक्सीजन का एटम बना लिया, सो दिस इज़ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का, सो दिस इज़ ऑक्सीजन, दिस इज़ हाइड्रोजन, एंड से आई हैव एल्यूमीनियम 27, सो आई हैव एल्यूमीनियम, सो एल्यूमीनियम बना लेना, यह 27 आ, ऑक्सीजन जोड़ा वा 16 आ, सो मतलब AMU मैं लिखता पाया AMU,
मतलब एक एटम सिंगल एटम के बारे में लिखता पाया इस वेले लैट दिस इज वन फॉर वन एटम ये हैगा वन सो मतलब एक एम जू है 16 AMU है 27 AMU आ इदा ही जे आप इतने लोहा लिख लीए लोहे का एटम सो लोहा मीनस आयरन आयरन मीनस Fe सो जे मान लो ये 56 हैगा ये 56 AMU होनी आप पढ़िया पीरियोडिक टेबल चो देख सकते हैं तुसी तुसी कोई होर लै लो सोडियम लै लो चलो सोडियम सो सोडियम सोडियम होंदा 23 ठीक है दैन यू कैन हैव से मरकरी है ना मरकरी विल बी 200 सो मरकरी सो मरकरी इज 200 ठीक है 200 AMU मैं एक एटम की गल हो रही है एक एटम जो असी एक एटम लीए इन एक एटम असी लै नहीं सकते प्रैक्टिकली असी नूं देख नहीं सकते असी चुक नहीं सकते पर असी प्रैक्टिकल कर करके एक्सपैरीमेंट कर करके विज्ञानियों ने सानूं दस दिता होया कि इन दे अंदर इन्ने प्रोटोन इन्ने न्यूट्रॉन हैगे आ ते इन्हां दा जिहड़ा मासस दा जे हिसाब लईए AMU दे हिसाब नाल तां इन्हां विच एक प्रोटोन या 16 प्रोटोन न्यूट्रॉन आ 27 प्रोटोन न्यूट्रॉन या 56 प्रोटोन न्यूट्रॉन टोटल करके 11 प्रोटोन न्यूट्रॉन 23 प्रोटोन न्यूट्रॉन जानकारी लिख सकते हैं कि हाँ सानूं पता है हुण की होया हुण ठीक है चलो आप हुण कर दे इत्थे एक एटम की गल की सी वी वर टॉकिंग अबाउट वन एटम ओहदा मास की गल आप की सी मास के बारे आप गल कर रहे हैं सो वी आर टॉकिंग अबाउट मास सो असी मास की गल कर रहे हैं सो मास की गल हो रही सी एक एटम के बारे सो नाओ आई विल कंसीडर से 10 एटम्स हुण मैं 10 एटमों की गल जे करा जे मैं 10 एटमों की गल करा तुहानू यूनिटरी मैथड आता वा तुसी सियाने हो बड़े आराम नाल समझ सकते हो जे एक जाना एक सीगा तो 10 जाने 10 होणगे मतलब जे एक AMU सीगा तो 10 एटम 10 AMU होणगे हाइड्रोजन के 10 एटम ऑक्सीजन के 10 एटम 160 हो जाएंगे अलमीनियम के 10 270 हो जाएंगे लोहे के 560 हो जाएंगे सोडियम के 230 हो जाएंगे मरकरी के 2000 हो जाएंगे क्योंकि 200 × 10 हो जूगा सो 10 जाने से वैरी सिंपल हुण इत्थे चलो ये सारे मैं एटम ले मैं आई कैन आलसो हैव मोलीक्यूल मतलब मैं इतने पानी ले लैंना पानी वाटर मोलीक्यूल सो वाटर मोलीक्यूल दे विच ऑक्सीजन दे 16 ते 2 हाइड्रोजन ते 18 बन जाता है सो ये जे इनू आपां ऐ लै लईए सो वाटर मोलीक्यूल सो इट विल बी 18 सो इहदा 18 AMU बनूगा सो दिस इज मोलीक्यूल सो ये मोलीक्यूल आ सो विच ही मैं मोलीक्यूल की गल भी विच ही नाल ही कर दिना सो इहदा मतलब इहदे मैं लऊंगा तो 180 हो जाएंगे सो मोलीक्यूल की गल भी विच ही मैं कर ली इदां ही तुसीं सल्फ्यूरिक एसिड लै सकते हो सोडियम क्लोराइड लै सकते हो कोई भी लै सकते हो मैं एक मोलीक्यूल नाल कंसिडर कर लिया सो ये सारी गल तुसीं इदां ही हौली हौली समझ लैनी आ सो 10 एटम लै ले दो से असी 100 एटम लै ले जे असी 100 एटम लेंदे तो फिर आ एक की थान से 100 हो जाना सी 16 की थान से 1600 हो जाना सी इत्थे 2700 हो जाना सी 5600 हो जाना सी 2300 हो जाना सी 200 दे नाल 2 जीरो होर लग जानी सी 18 दे नाल 2 जीरो होर लग जानी सी ये गल बिल्कुल सिंपल आ समझ लगती होनी आ भी जे एक हाइड्रोजन एटम एक हैगा ओदा मास एक हैगा जिन्ना भी AMU तो 10 AMU होगा ठीक है ना जे एक केला 100 ग्राम का तो 10 केले 10 × 100 दे होणगे सो 100 किन्ने होणगे 100 × जिन्ना भी सीगा इत्थे एक चलता पिया सो असी जिन्ने भी लवेंगे वो इनू गुणा कर देवे जिहड़ा एक वाला जिदा आपां कहिंदे एक पेन जिहड़ा हैगा 10 रुपए का तो 20 पेन किन्ने दे होणगे 20 × 10 दे सो जे एक एटम जिहड़ा हैगा एक मोलीक्यूल जिहड़ा हैगा इन्ना हैगा तो 100 किन्ने होणगे 18 × 100 इदां ही 1000 किन्ने होणगे इदां ही मैं कहिंदा 10^20 किन्ने होणगे 10^20 मैं सीधा ही दूर चला गया 100 1000 लख करोड़ अरब खरब ओ जैटो ओटो जोटो आपां पढ़िया सीगा असीं सीधा ही उत्थे चल गए तो ऑटोमैटिकली 1 × 10^20 होगा ये 16 × 10^20 होगा यह 27 × 10^20 होगा यह 56 × 10^20 होगा यह 23 × 10^20 होगा यह 200 × 10^20 होगा यह 18 × 10^20 होगा सो मेरे ख्याल गल समझ लगती होनी आप सारियां नूं कोई ये कोई लंबा चौड़ा हिसाब किताब नहीं है बिल्कुल सिंपल जी गलबात आ यह सो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी गुड
सो ये मैं ताकि वो मिक्सिंग ना हो जाए इसलिए लाइना जी बनाती हूँ। हुण देखो आपां जदों इदां करदे गए आपां इहनूं इदां ही करदे गए तो एक वेला इदां आया कि असीं इहनूं 10 दी पावर 20 दी बजाए 6.022 × 10²³ इन्नी बड़ी गिनती जिहड़ी आ गिनती लिखी आ मैं गिनती, ठीक है, ये वाली गिनती दे विच जदों हाइड्रोजन दे एटम लै ले गए दैन इट बिकेम 1 ग्राम। सो ये इत्थे मोल कंसैप्ट आ गया हुण अपना कि असी जदों हाइड्रोजन दे गिनती वधांदे गए मान लो असी इहनूं देख सकदे हुंदे, असी इहनूं फड़ सकदे हुंदे, असी तकड़ी च रख के तोल सकदे हुंदे, कल्ले कल्ले दी गिनती वधा सकदे हुंदे, तां असी जदों इन्नी गिनती वधा ली इन्ने नंबर तक 6.022 × 10²³ गिनती आपां कर ली। इत्थे देखो गिनती आ, दिस इज़ काउंटिंग काउंट्स नंबर आ, गिनती आ, इधर गिनती चलती पई आ। सो गिनती किन्नी सी, 10 गिनती सी, 100 गिनती सी, 10 की पावर 20 गिनती सी। तो हुण असीं गिनती नूं की कीता, इदां मैं पूरा पेज नहीं ना भरना, आपां इत्थे पहुँच गए सीधा ही कि असीं इन्नी दूर इन्नी बड़ी गिनती विच सीधा ही आपां पहुँच गए कि जे असीं इन्नी गिनती तक पहुँचे दैन इट विल बिकम 1 ग्राम। सो हुण इत्थे की होर इंपोर्टेंट गल आई, देखो जदों ये 1 सी ये 16 सी ये 27 सी, जदों ये 10 सी 160 सी ये 270 सी, इहदा मतलब इहनां दे विच जे मैं 0 कट दवां तां इहनां दी जिहड़ी रेशो आ इहनूं रेशो कहिंदे आ 1:16:2, इहनूं रेशो कहिंदे आ अनुपात 56:23:200:18 पानी दा। सो ये इहनां दे अनुपात आ जिहड़े मैं उपर लिखे आ हाइड्रोजन दा, जे मास दे अनुपात लिखिए मास दे अनुपात, जिद्दां मान लो एक बच्चे दे नंबर आए हैगे आ 500 ते एक बच्चे दे नंबर आए हैगे आ 250, पेपर होए पेपरां दे विचों दे नंबर आए, एक बच्चे दे एक स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 सोना दे नंबर आए 800 दे विचों 500 ते 250, ठीक है, असीं हुण 800 जे छड्ड भी दिंदे आ ते उहदे 500 ते 250 आ, इहदा मतलब असीं की कहांगे वी इहदे नंबर इहदे नालों दुगने आ, मतलब इहदे जे एक नंबर आंदा ते इहदे 2 नंबर आंदे दुगने नंबर आए। असीं आह गल कहने कि इन्हां दोनों के नंबर का अनुपात 2:1 आ, स्टूडेंट 1 के नंबर 2 आ, स्टूडेंट 2 के नंबर 1 आ, अनुपात इहनूं आ 2 बिंदियां पा के आपां लिखदे आ, मतलब इहनूं 2/1 जां 500/250 बिंदियां का मतलब हुंदा बटा करना, जिहड़ा मगरला हुंदा उह बटे च जांदा हैगा। सो इह डिवाइड मतलब इह डिवाइड वाली गल आ, सो इह गल समझो। सो मतलब कि जिहड़ा मास की जे आपां गल करदे पए आ इत्थे, तां असल विच इहनां दे कोई भी 2 जे तुसीं लै लो, जे आपां हाइड्रोजन नाल इहनां दा मास दा अनुपात देखिए तां मास दे नाल इहदा जिहड़ा अनुपात बनता हाइड्रोजन दा, ऑक्सीजन दा, अलमीनियम दा, लोहे दा, सोडियम दा, मरकरी दा, जां पानी दा, तां इहनां दे जिहड़े अनुपात आ मास दे वेट दे भार दे हिसाब नाल उह हर वारी उन्ना ही रहिंदा। देखो 2 0 आपां फिर जदों अनुपात लैंदे हुंदे आ असीं कहिंदे आ 1 0 कट गई, जिद्दां इहदे विच आपां करदे आ आह 0 नाल आह 0 कट गई क्योंकि बटा हुंदा वा 2/1। सो इहदे विच 25 ते 50 आ, 25 + 25 ते 25 × 50, सो 2:1। सो ये तुसीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 'च इदां दीआं गल्लां कीतियां होणगियां, जे नहीं कीतियां तां हुण मैं तुहानूं दस दित्तियां कि जदों अनुपात लैंदे आपां कि उहदे नंबर उहदे नालों किन्ने ज़्यादा आए, जां सेब दा रेट जिहड़ा केले नालों किन्ना हैगा, मान लो सेब जे तुसीं मान लो एक 2 फ्रूट खरीदे, 1 इज़ एप्पल द अदर इज़ सम अदर फ्रूट से यू हैव बना दिस ओरेंजेस, ठीक है, तो यदा जोड़ा सेब का रेट हैगा वा वो 500 रुपये किलो आ मान लो, ठीक है, ज़्यादा लिखता चलो आप 50 रुपये किलो आ सेब, तो जोड़े ओरेंजेस है मान लो 60 रुपये किलो है, तो आ 60 रुपए के आ सच्ची मुची, ये 50 रुपए के सच्ची मुची आ, तो जे आप अनुपात लैना हो अनुपात लैके आप करेंगे, सो दैन वही कट दिस 0:0, सो 5:6 असं कहोंगे 5 ते 6 का अनुपात आ, ठीक है, भी जे तुम जो भी लैना जिन्हें भी सेब या केले लेने तो जो वह अनुपात इस ढंग देखना पैना, तो इन होर आप करते हों 1:6 कर दें हों 1:5 = 1.2 आ, यदा मतलब जे इतने 100 रुपये खर्चोंगे तो इतने गुणा 100 करूँगे 120 रुपये खर्चोंगे, जे इनू 50 नाल गुणा करोगे इनू 50 नाल गुणा करके थोड़े को 60 जवाब आजूगा ऑटोमैटिकली। सो इस तरह जिहड़ा हैगा ये आपां अनुपात की गल करते हैं, सो इतने अनुपात जिहड़ा हैगा, सो आ गल नू समझो कि जिहड़ा इन्हां दा अनुपात बनिया वो 1:16:27:56:23 ही बनिया जिहड़े मैं एटम ते मोलीकूल लए सी। सो इन्हां दा फिर की एंड रिजल्ट की निकलिया, जदों आपां इन्ने बड़े किन्ने बड़े जदों आपां 6.022 × 10²³ आइटमां
इतने आइटमां तो भाव एटम जां मोलीक्यूल लै ले एटम और मोलीक्यूल लै लें गिनती दे विच इन्नी गिनती कर लें आपां उहदी चीज़ की तो असीं देखते हाँ कि हाइड्रोजन का एक ग्राम बन जाता। हाइड्रोजन का की बन जाता एक ग्राम जिन्हों असी तकड़ी विच तोल सकते हैं। एक ग्राम सानू पता एक ग्राम कितना होंदा असी एक बर्तन विच हाइड्रोजन गैस भर के उन्हों तोल सकते हैं कि एक ग्राम बन गया। इहदा मतलब जे हाइड्रोजन एक ग्राम बन गया ये सारे AMU चलते पे सी AMU जदों एक ग्राम बन गया 16 ग्राम बन जू 27 ग्राम बन जू 56 ग्राम बन जू 23 ग्राम बन जाओ 200 ग्राम बन जाओ 18 ग्राम बन जू कहानी खत्म हो गई। सो आ मोल कंसैप्ट है। सो दिस इज मोल कंसैप्ट। सो देयरफोर जिन्ना उहदा AMU विच तुसीं लिखदे आ किसी भी मोलीक्यूल जां किसी भी एटम दे बारे तुसीं उहदे AMU च गल करदे हो तुसीं कहिंदे हो कि उहदा जिहड़ा AMU हैगा उह किन्ना हैगा। सो यू से कि भी जिन्ना लैड हैगा लैड दा 207 आ लैड PB पलम्बम 207 AMU आ उहदा ठीक है नंबर तो असीं 207 ग्राम जे लैड लै लईए ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 6.022 × 10²³। ਸੋ ਇਹ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਆ। ਸੋ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਇਨ ਗ੍ਰਾਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ NA ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਐਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ ਐਨ ਔਰ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਨ ਜਾਂ ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सो एवोगैड्रो के नाम से यदा नाम रख्या हुआ एवोगैड्रो शायद मीडियो एवोगैड्रो से। सो एटोमिक गै मास इन ग्राम मान लो कि एम होवे एम तो वो गिनती किन्नी होंगी है ग्रामा चा वो कहदे बराबर होगा एन एटमा के बराबर वो जी गल करते एन एटम एन यदा नाम एन कई बार ये पैर ए पा देंगे भी एवोगैड्रो नंबर है यह ठीक है भी कॉन्सटेंट आए ये ये पैर में। सो 207 ग्राम के लैड के ऑफ लैड इतने एटम के बराबर आ। सो इनू असी मोल कंसैप्ट कहने भी मोल कंसैप्ट जिन्ने पीरियोडिक टेबल तुसी देख लो जिन्ने वो AMU बनते हैं एक एटम के उन्होंने ग्रामा च लिख लीए तो उदी उन्नी गिनती बन जाती हैगी। सो आपां की पता लग गया फिर भी वो किन्नी गिनती आ ते किन्ने वो ग्राम है। सो इस तरह इनू हुण असीं की किया 1 मोल। सो आपां की किया 1 मोल जिदा एक दर्जन मैंने 1 डजन मैंने 12 बनाना जे आपां उही अपनी एग्जाम्पल की गल कर लीए तो उत्थे वो 1200 ग्राम बनया सी बनाना की जिहड़ी मैं एग्जाम्पल लई सी कि एक बनाना जिहड़ा 100 ग्राम का तो इदां ही फिर 1 मोल का की मतलब हो गया 1 मोल का मतलब हो गया किन्नी गिनती 6.022 × 10²³। इत्थे की है एटम्स एटम्स जे मोलीक्यूल होंदे तां मोलीक्यूल्स जे मान लो इलैक्ट्रॉन होंदे तां इलैक्ट्रॉन्स मतलब जिहड़ी भी चीज़ होंदी आपां इत्थे एटम लै रहे हां फिलहाल। सो एटम एटम्स बराबर किन्ना दिस इज़ इक्वल टू किन्ने ग्राम जिहड़े जिहदे भी लै रहे हां हुण पता नहीं मैं किहदे लै रहा 118 जाने आ पीरियोडिक टेबल च मैं जिहदे भी लै रहा उहदा एम ग्राम हुण इह एम कौन आ एम उहदा एटोमिक मास आ एटोमिक मास। सो दिस इज़ द इंपॉर्टेंट थिंग आ जिहड़ियां 3 जाने आपस बराबर होए ए वाली गल बहुत इंपॉर्टेंट आ। सो ये मोल कंसैप्ट आ कि 1 मोल का मतलब की हैगा। सो हुण इत्थों तुसीं बिल्कुल ईजीली हिसाब ला सकते हो हुण 1 दर्जन 12 केले सी मैं आही सिंपल एग्जाम्पल लैंदा वो वड्डा नंबर लगता आपां नूं कई बारी जे मैं हुण कहां 2 दर्जन मैनूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दूंगा 12 × 2 = 24 2 × 12 बनाना 2 × 1200 ग्राम मैं कह 10 दर्जन सो 10 दर्जन 10 × 12 बनाना 10 × 1200 ग्राम सो यदा मतलब कि बन गया अपने को 120 बनाना गिनती आ गई आ भी गिनती आ गई मोल के हिसाब न इधरला पासा मोल वाला आ इधर आ गया अपने को 12000 ग्राम ठीक है। सो 10 डजन सो मतलब गिनती आ भी गिनती आ पर यह है कि दर्जना में गिनती है असली गिनती आ। सो आ असली गिनती आ एटमा की सच्ची मुची जो गिनन बह जाओ भी आलो लै लो तो इन्हों बह के गिनो आलो फड़ो एटम हाइड्रोजन के एटम लै लो लैड के एटम लै लो तो इन्हों बह के गिनी जाओ
तो वह फिर तुम गिन के जो पहुँचोगे एंड से तो जो इन्ने बड़े आइटम गिन लोगे तो वो 207 ग्राम जो लैड की गल करते हैं 207 ग्राम ओफ लैड पी बी पलंबम इनू कहते हैं सो ओफ लैड पी बी एक मोल उन्होंने असं एक मोल कहते हैं सो वेरी सिंपल सो जिदा एक दर्जन 12 आ उदी एक मोल 6.022 गुना 10^23 एटम आ सो हूँ आप इतने एक होर यदा जोड़ा आम नमेरिकल थानू लोड़ पैंती आ सो यदा मतलब एक मोल मैंने 6.022 × 10²³ आइटम्स जां स्पीसीज आप कई बार कह दें इतने स्पीसीज केड़ियां आइटम है ना इलेक्ट्रॉन वगैरह जां एटम जां वट एवर यद मतलब जो मैं कह अद्धा मोल मैंने इधर भी अद्धा करूँगा जो मैं कह 5 मोल तो ये बटे च भी 5 करूँगा जो मैं कह 0.1 मोल तो फिर गुना 0.1 करूँगा जे आप कही मान लो कि इनू जो भी करना जो थानू यूनिटरी मैथड दे विच आपां इही सिखदे आ ना इनू मैं एक बार फिर रिवाइज़ कर दिना कि एक पेन जिहड़ा हैगा उहदी जिहड़ी कीमत आ उह 10 रुपए हैगी आ तो फिर 15 पेन किन्ने दे आणगे 15 पेन की कीमत जिहड़ी आ उह 15 × 10 रुपीज़ होगी वेरी सिंपल सो दिस इज़ यूनिटरी मैथड सो इफ यू हैव 1 मोल यू वॉन्ट टू नो 0.5 मोल सो यू मल्टीप्लाई बाय 0.5 अद्धा पेन तो हो नहीं ना सकता हूँ इसलिए इतने मैं अद्धा नहीं लिखूँगा सो आई कैन से कि 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट 50 रुपीज़ तो 0.5 kg मीनस 0.5 kg हूँ इतने आ सकता चौलों वाले मामले आ सकता सो राइस विल कॉस्ट 0.5 × 50 0.5 मैंने 1/2 हों सो यू विल हैव दिस 25 रुपए सो ये गल जो थानू समझ लगती है तो फिर मोल भी उही चीज़ आ सो मोल इज अगेन द सेम थिंग सो मोल दे विच भी आपां इही कहने उहदा सिस्टम अलग आ असीं कहने कि भी एक दर्जन जिहड़ा हैगा 12 मान लो कि एप्पल जां ओरेंज जां 12 चीज़ां हैगियां 12 थिंग्स 12 आइटम्स 12 आर्टिकल्स आ तो फिर अद्धा दर्जन किन्ना होगा 0.5 दर्जन सो तुहानू पता ही 6 किले होणगे जे मैं तुहानू कहां कि 1/4 दर्जन किन्ना होगा तो फिर 12/4 3 थिंग्स जे मैं तुहानू कहां 5 दर्जन किन्ने होणगे तो 5 × 12 = 60 सो दीज आर द थिंग्स यू ऑलरेडी नो आह चीज़ा आ हम यही चीज़ में तुम इदा समझ लो एक मोल जोड़ा है वा वह 6 पॉइंट मैं हम 6 लिख दें एन लिख दिना एन आइटम्स एन थानू पता एन कौन आ एन इज 6.022 × 10²³ एक नंबर आ दिस इज सिंपली ए नंबर सो बार बार उन्होंने लिखने की बजाय आप इतने एन आइटम्स लिखता मैं हम थोड़ा कह कि अद्धा मोल फिर 1/2 एन आइटम्स जा एन बटा दो जा 0.5 एन मैं थानू कह 6.3 मोल तो 6.3 एन नाल गुणा कर दो मैं थानू कहना वा 0.01 मोल तो फिर एन 0.01 दे नाल गुणा कर दो सो वेरी सिंपल सो दिस इज़ हाउ यू हैव मोल्स एंड हाउ मैनी वट इज़ द नंबर वो गिनती किन्नी आ तो मोल किन्ने आ सो ये वाली जो दर्जन तो वो वाली गल में तुम याद रखोगे तो नमेरिकल बहुत सौखे हो जाएंगे हूँ यही चीज़ में तुम जोड़ा हैगा वो ग्रामा भी कन्वर्ट कर सकते हो सो आप फिर इनू यही चीज़ में जो ग्रामा में कन्वर्ट कर लीए भी ग्राम किन्ने हो आप लिखांगे सो आप लिखांगे 1 मोल इज इक्वल टू एम ग्राम्स हमने एम कौन आ जोड़ा एटम या जोड़ा मोलीक्यूल आटोमिक मास मोलीकुलर मास जिदा पानी आ पानी का 18 AMU सीगा फॉर वाटर इट इज़ 18 AMU फॉर सल्फ्यूरिक एसिड आई थिंक यह 98 बनता शायद मैं चैक कर लियो सो AMU जे आप CH4 की गल करिए 12 × 4 = 16 बनता मेरा ख्याल चैक कर लियो सो ये चीज़ा हम तुम आप भी चैक कर सकते हो सो ये मोलीक्यूल्स हो गए जो मोलीक्यूल की गल करते तो एम कौन आ एम आ वाला 18 ग्राम 98 ग्राम 16 ग्राम जे सोडियम आ तो सोडियम के 23 AMU तो 23 ग्राम जो ऑक्सीजन की गल कर दौ तो 16 AMU 16 ग्राम जो आप इस ढंग गल करिए फिलहाल सो अगे जाके गैस का आप चैक करा कि वह 22.4 लीटर बनता है सो यही सारी गलबात जी लीटर गैसा जीडिया है जो लिक्विड गैसिज है उन्होंने लिए फिर 22.4 लीटर बन जाता हों सो उ फिर इतने आ वाली चीज़ ग्राम की थान तो लीटर बन जाते होंगे
सो मेरा ख्याल है गलबात आप समझ लग गई। सो वन मोल इज़ एम ग्राम, सो देयर फोर इक्वल टू एन एटम्स, मतलब एक लाइन से आप सारी गल लिखिए, तो वन मोल इज़ इक्वल टू एम ग्राम इज़ इक्वल टू एन एटम्स। जे हुण इत्थे तुहानू कोई पुछे कि अद्धा करना इनू हाफ करना आ, तो इनू वन बाय टू कर दो, इनू भी हाफ कर दो, इनू भी हाफ कर दो। सो वन बाय टू मोल इज़ इक्वल टू एम बाय टू ग्राम इज इक्वल टू एन बाय टू एटम्स। जे तुहानू कोई कहे कि इनू आपां सैवन टाइम करना, तो सैवन नाल मल्टीप्लाई कर दो, सैवन मोल, वन मोल नू इज इक्वल टू सैवन इंटू एम ग्राम इज इक्वल टू सैवन इंटू एन एटम्स। सो ये हुण तुसीं देख लो किहड़ियां दो चीज़ां तुहानू, आ वालियां दो चीज़ां चाहीदियां, आ वालियां दो चीज़ां चाहीदियां कि आ वालियां दो चीज़ां चाहीदियां, जिहड़ियां दो चीज़ां चाहीदियां आ तीन वाले सिस्टम चों तुहानू मिल जाणगियां। सो दिस इज़ हाउ यू हैव दिस यूअर मोल कंसैप्ट। सो ये मोल कंसैप्ट हुंदा हैगा वा। सो बेसिकली इस ढंग नाल असीं इत्थे पहुँचे कि मोल कंसैप्ट है की चीज़। सो गैस की जे आप गल करिए, गैस जी होंगी नॉर्मल टैंपरेचर प्रैशर के उत्ते, नॉर्मल एन टी पी के उपर, वो 22.4 लीटर जोड़ा है, दैट इज़ वन मोल। सो वन मोल किसी गैस का जोड़ा है वो इन्ना हों। तो जे असी पार्टिकलों की गिनती की गल करते हैं, तो गिनती जी आप ऑलरेडी थोड़ा दसती है एटम्स या मोलीक्यूल किन्ने होंगे। सो असी उन्हों फिर वन ग्राम एटम कह दें होंगे, जो आप लिखता ना 23 आप लिखना 23, तो फिर उन्होंने ग्राम एटम मतलब 23 ग्राम लिखना आपू। सो 23 ग्राम सोडियम, सो दिस इज़ हाउ यू हैव। सो 18 ग्राम पानी हुंदा वा, 44 ग्राम जिहड़ी कार्बन डाइऑक्साइड हुंदी आ। तो जे आप जे फार्मूला जिहड़ा वेट आ लिखना, तो सोडियम क्लोराइड का फार्मूला वेट हुंदा 58.5, तो कैल्शियम कार्बोनेट का हुंदा 100 ग्राम। सो इस तरह अपने कोल जिहड़े हैगे आ मोल की गलबात जिहड़ी आ, ते किद्दां असी मोल तो किद्दां मोलीक्यूलर जिहड़ा इन्हां दी अदला बदली किवें करनी हैगी आ, सो दैट वी कैन डू। सो कोई भी दो लैके यूनिटरी मैथड ला देना, सिंपली इनू वो बटे भेज दो, उन्होंने वो बटे भेज दो। जिदा हूँ आही आई वाली चीज़ तो मैं पता लाना हो, सो थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट जरूरी सगा फिर कंटिन्यूटी नहीं सी बननी। सो इज़ इक्वल टू एन एटम्स। हुण तुहानू कहिंदा एक एटम दे विच किन्ने मोल आ, तो तुसीं की करो इनू सारे नू एन नाल डिवाइड कर दो, जो डिवाइड बाय एन यू गैट वन एटम, जो डिवाइड बाय एन एम बाय एन ग्राम्स, जो डिवाइड बाय एन वन बाय एन मोल। सो वेरी सिंपल। सो इफ इफ द परसन आस्क थानू को पुछदा कि भी एक एटम दे विच किन्ने मोल हैगे आ, जिहदे भी मान लो सोडियम दे आ, तो फिर तुसी की करना, एन एन तो थानू पता ही है एन की वैल्यू जिहड़ी आ 6.022 × 10²³ हैगी आ। सो वो वाली वैल्यू नमेरिकली तुसी ओदी वैल्यू भरनी आ, तो ये नाल एन नाल ही इनू डिवाइड करना, मीन एन की वैल्यू आ वाली सी इत्थे आपां लिख के चैक कर लाँगे। जे उह थानू कहिंदा एक ग्राम किन्ना वा, एक ग्राम, फिर आ वाली गल जी यूनिटरी मैथड में जिते वन आता ना, वो वाली गल ज़्यादा इंपोर्टेंट होंगी, उत्थों सारी कहानी शुरू होंगी। एक पेन किन्ने दा, 10 पेन किन्ने दे, एक किलो चौल इन्ने दे, 15 किलो चौल किन्ने दे। जे थानू कोई कह दिंदा कि भी नहीं मैनू तो यह पता कि भी 15 किलोग्राम जिहड़े राइस आ उहदी कीमत कोई 15 किलो कोई भी चीज़ आ, कणक आ, चौल आ, दाल आ, उहदी कीमत मान लो 345 रुपए लगे हैगे आ, तो मैनू दसो भी 7.5 किलो किन्ने दे आऊगे जां 50 किलो किन्ने दे आऊगे। तो फिर तुसीं पहलों काम यह करदे आ, तुसीं एक किलो का पता करदे आ एक किलो किन्ने दे आणगे, तुसीं एक किलो पता करन लई की करदे आ 15 नाल डिवाइड कर दिंदे आ, फिर हुण उहनां तों जिन्ना मर्जी पुछ लो, तुहानूं आ एक पता लग गया, हुण जो मर्जी पुछी जाओ। अगला कहिंदा हुण दसो की गल आ, उह तुसीं कहो जी 7.5 किलो, इहदे नाल 7.5 गुणा कर दो, उह कहिंदा 50 किलो, इहदे नाल 50 गुणा कर दो, उह कहिंदा 80 किलो, इहदे नाल 80 गुणा कर दो। सो दिस वन के जी, सो दिस इज़ यूनिटरी मैथड। सो ये यूनिटरी मैथड इतने जोड़ा है ये अपलाई हों। सो जो एक मोल सूँ पता है फिर जिधर मर्जी एक बना सकते हैं, आप इधर एक बनाना तिना एन नाल डिवाइड कर दो, ग्राम एक बनाना तो फिर एक ग्राम लिए एम नाल एक बटा एम मोल हो जूगा, एक बटा एम मोल, एक ग्राम एन बटा एम एटम्स। तो हुण एक ग्राम की थान थानू कहिंदा वा भी इहदे 5 ग्राम, इहदे अद्धा ग्राम, इहदे 20 ग्राम, इहदे 100 ग्राम चाहिए आ, तो इधर इधर भी सेम सेम मल्टीप्लाई करी जाओ, सो यू विल गैट द रिजल्ट। सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट। सो थैंक यू वेरी मच।